हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारतीय सेना के पास इस इलाके में डटे रहने के लिए अगले 14 महीने का राशन भी है और ईंधन भी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक आर्मी जो है ना, आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, यानी जब तक सैनिक का पेट नहीं भरा रहेगा वो युद्ध कैसे करेगा। अब भारतीय सैनिकों को भूख है तो बस चीनियों के शिकार की। अब आपको LAC पर तैनात भारतीय सेना का मेन सप्लाई का सोर्स बताते हैं। ये भारतीय सेना का एक पेट्रोलियम डिपो है जहां से पूरी LAC पर तैनात सैनिकों को ईंधन की सप्लाई होती है। इस वक्त हम लद्दाख में भारतीय सेना के एक लॉजिस्टिक बेस में हैं। पेट्रोलियम बेस है ये, जहां पर तेल और दूसरा उससे रिलेटेड जो फ्यूल होता है वो यहां पर स्टॉक किया जाता है। बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ये पेट्रोलियम डिपो है। लाइन से जो गाड़ियां खड़ी हुई है यहां पर, तेल यहां पर स्टॉक किया जाता है। वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारे सैनिक हैं, सेना है, यूनिट्स हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं वो यहां से जाती हैं, LAC पर जाती हैं जहां पर हमारे सैनिक हैं। साथ ही जो सैनिकों की, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है तो उनकी जो स्टोव्स होते हैं जिससे वो अपने आप को गर्म रख सकते हैं, खास तरह के जो होते हैं स्टोव्स, उनके लिए भी यहाँ से ही फ्यूल जाता है। लॉजिस्टिक बेस के अंतर्गत ये पेट्रोलियम डिपो आते हैं। हमारे लिए लॉजिस्टिक्स के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये डिपोज। हमारी आने वाली सर्दियों के लिए पूरी तरह से स्टॉक है। ये फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट डिपो है। ये सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डिपो है हमारा, और यहाँ से जो फ्यूल जाता है वो गाड़ियों में और ट्रूप्स के लिए बुखारियों में, जो उनको सर्दी में गर्म रख सके, उसके काम आता है। बड़ी संख्या में ये जो ट्रक आपको दिख रहे हैं ये सारे फ्यूल ट्रक हैं। इन्हीं ट्रकों में बड़े बड़े ड्रमों में भरकर ईंधन फॉरवर्ड लाइन तक भेजा जाएगा। इस वक्त हम FPD ले, यानी कि फॉरवर्ड पेट्रोलियम डिपो ले पर खड़े हुए हैं, और यहाँ से एक के बाद एक गाड़ियां जो है, जो फ्यूल की गाड़ियां हैं, तेल की गाड़ियां हैं, वो सब यहाँ से निकल रही है, लाइन से निकल रही है, और ये सब जा रही है LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, चीन सीमा पर, जहां पर भारतीय सैनिक तैनात है। क्योंकि सेना की जो मूवमेंट है वो इन्हीं गाड़ियों के ऊपर डिपेंड करती है, तेल के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ से बैरल में भरकर लेके जाते हैं, ड्रम्स में भरके। ये जो देखिए तो ड्रम्स रखे हुए हैं इन गाड़ियों में, और इन गाड़ियों को सीधे LAC पर ले जाया जाएगा। ईंधन के बाद अब सैनिकों के खाने पीने की सप्लाई के बारे में जानते हैं। इस गोदाम में जो राशन आप देख रहे हैं ये सैनिकों के लिए भरी गई है। यहाँ पैक्ड खाना भी है और लूज राशन भी। यहीं से ट्रकों में भरकर इसे आगे फॉरवर्ड बेस तक पहुंचाया जाएगा। हम सेना के एक सप्लाई डिपो में हैं। देखेंगे कितना बड़ा सप्लाई डिपो है पूरा। यहाँ पर जितना भी खाना पीना सामान, राशन जितना भी है, ड्राई राशन है, यहाँ तक कि चॉकलेट, जूस, जो भी चीज हो सकती है खाने के लिए, टॉफी, वो तक भी है उन सैनिकों के लिए जो कि लाइन ऑफ पेट्रोल कंट्रोल पर तैनात है। और यहाँ से यहाँ पर आने के बाद, जैसे हमने देखा था कि ग्लोब मास्टर से या दूसरे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से यहाँ आता है, और उसके बाद यहाँ से सप्लाई डिपो से लद्दाख की उनको भेजा जाता है LAC पर। यहाँ पे बॉक्स लिखे होंगे, लगे होंगे, उन सब पे यही लिखा हुआ है कि ये सब डिफेंस सर्विसेज के लिए है। अब राशन और बाकी गोला बारूद लेकर आर्मी सर्विस कोर के ये ट्रक तैयार है जो आगे फॉरवर्ड बेस तक जा रहे हैं। फायर एंड फ्यूरी कोर में अपने एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग पे बहुत गर्व रखते हैं। हमें गर्व है और पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ सालों में यह सिस्टम इतना बेहतर हो चुका है कि आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने पर यह बहुखूबी रिजल्ट देगा। आज हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशन की हो, फ्यूल ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां वहां पहुंच चुकी हैं। हम यहां पर इस वक्त लेह लद्दाख में भारतीय सेना की एक आर यूनिट, या जिसे रेगुलेशन यूनिट बोला जाता है, जहां से सारी सप्लाई जाती है, तार जो है गाड़ियों की, इनमें सामान है, गोला बारूद है, हथियार है, ये सब यहां से जा रहे हैं सीधा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि सर्दियां शुरू होने से पहले पहले, क्योंकि जो दो एक्सेस हैं अभी लेह लद्दाख पहुंचने के लिए उनमें थोड़ी मुश्किल आती है। जोजिला पास बर्फबारी में नवंबर दिसंबर में बंद हो जाता है, और जो रोहतांग टनल है
वो भी बंद हो जाती है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो अटल टनल का उद्घाटन हो जाएगा तो 12 महीने खुली रहेगी। अब आपको भारतीय सेना की वो जगह दिखाते हैं जहां खराब हुए हथियारों को रिपेयर किया जाता है। यहां आपको बोफोर्स तोप से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट गन तक सब कुछ दिख सकता है। चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बेहद मजबूत कर रखी है। इसके लिए इन्फेंट्री सोल्जर्स यानी पैदल सैनिकों के साथ साथ टैंक, तोप, एंटी एयरक्राफ्ट गन, मिसाइल सिस्टम वो सब लगा रखे हैं। लेकिन उनको बैकअप की जरूरत पड़ती है क्योंकि खराबी हो सकती है। जो रिपेयर सेंटर है वहां पर यह बोफोर्स तोप है जो बताती है कि बोफोर्स तोप इस वक्त भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तैनात कर रखी है। उसमें अगर कोई कमी आती है क्योंकि बहुत पुरानी ये गन्स हैं लेकिन इन पर सबसे ज्यादा विश्वास अगर भारतीय सेना करती है अपने तोप खाने पर, आर्टिलरी पर, तो इन बोफोर्स तोप पर करती है। और देखिए ये यहाँ पर ये रिपेयरिंग हो रही है और इसके बाद रिपेयर होते ही ये फिर एक बार ये जो बोफोर्स तोप है फिर चली जाएगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर। और साथ साथ खाली बोफोर्स तोप ही नहीं है, इसके अलावा जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिनको AD गन्स कहा जाता है वो भी है। सैन्य छावनी होती है, कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन होता है तो वहां पर इसको तैनात किया जाता है ताकि कोई दुश्मन की कोई एयरक्राफ्ट या फिर कोई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन तो नहीं आ रहा है तो उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जिस जगह पर तापमान -40 से 50 डिग्री तक होता हो वहां लड़ना और भी बड़ी चुनौती है और भारतीय सेना के जवान अपनी इसी सप्लाई लाइन की वजह से डटे हुए हैं। उन्हें पहनने के लिए विशेष कपड़े दिए हुए हैं, खास तरह के टेंट दिए गए हैं जिनके अंदर सर्दी कम लगती है। ये डिपो लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुक्त डिपो है। यहाँ पे हम स्पेशल क्लोथिंग, टेंटेज, हीटिंग अप्लायंसेस, माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट और सुरक्षा उपकरण आदि हमारे जो ट्रूप्स फॉरवर्ड में तैनात हैं उन्हें इश्यू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल टेंट, लार्ज टेंट, मीडियम एंड टेंट हाई ऑल्टीट्यूड। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं उनको इश्यू किए जा चुके हैं। और इस वक्त सबसे पहले जो एक या दो सैनिक जो होते हैं जो एक साथ रहते हैं उनके लिए बड़ी पेयर सिस्टम के लिए एक छोटा सा ये टेंट है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर और नीचे देखेंगे, कैमरामैन सुंदर दिखाएंगे, तो दो जो सैनिक है वो आराम से इस टेंट के अंदर रह सकते हैं, सो भी सकते हैं। लेयर है, डबल लेयर है, इसको बंद कर सकते हैं, पानी भी नहीं आएगा, बरसात होती है और एयर के लिए ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर होल्स बनाए हुए हैं, खिड़की की तरह बनाए हैं। जो आप टेंट देख रहे हैं यही दरअसल आर्कटिक टेंट है। ये आर्कटिक टेंट सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के लिए होता है यानी कि 14,000 फीट से ऊपर के लिए। इसकी जो लेयर होगी ये देखिए -40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में भी सैनिक इसके अंदर आराम से रह सकते हैं, उनको ठंड नहीं लग सकती। ठंड क्यों नहीं लगती, ऊपर का ये लेयर आप देख रहे हैं और इसके अंदर जो क्विल्ट है यानी कि जो रजाई की तरह जो क्विल्ट होती है वो इसके अंदर बनाया गया है। ये देखिए ये यहाँ पर उसी से जो सैनिक हैं गर्म रह सकते हैं। 7 से 8-10 सैनिक आराम से इस टेंट में रह सकते हैं। जो हमें जानकारी मिली है भारतीय सेना से उसके मुताबिक ये सारे टेंट्स जा चुके हैं यानी कि LAC पर जो सैनिक 40 से 50 हजार सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं उनके पास ये टेंट पहुंच चुके हैं। इन तैयारियों को देखकर ही हमने कहा था कि हमारी सेना चीन की तरह प्रोपेगेंडा नहीं करती बल्कि अपनी तैयारी पुख्ता करने पर ज्यादा जोर देती है। लद्दाख जैसी जगह में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स फायर एंड फ्यूरी कोर के लिए बहुत मायना रखता है और पिछले 20 साल में हम इसको मास्टर कर चुके हैं। हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना स्मार्टली बिल्ट अप हो चुका है कि बाहर से आने वाला कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन प्लग एंड प्ले मोड में आकर यहां पर जो यूनिट्स तैनात हैं उनके साथ जुड़ जाता है और इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है। आज हमारे पास इतना इक्विपमेंट है कि जैसे कि आपको दिखाया गया हमने फ्रंट लाइन पे हर एक जवान को स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेशल विंटर क्लोथिंग और टेंटेज दिया है, बेस्ट क्वालिटी राशन्स जो कि हर एक ऑफिसर, JC और जवान को इक्वल क्वांटिटी में दिया जाता है।